ये इंडियन आइडल को हुआ क्या है, अब जबरदस्ती इनके बीच में बनाया जा रहा है कनेक्शन, क्या है पूरी अपडेट आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी जाननी है इंडियन आइडल की सभी अपडेट टीवी से पहले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ गाइस, जब से सोनी टीवी ने अपने अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो वीडियो को पोस्ट किया है, तभी से सोशल मीडिया साइट पर काफी हंगामा मच गया है और फैंस इंडियन आइडल पे अपना गुस्सा जम के दिखा रहे हैं। वीडियो में दिखाया ये गया है कि वीसी सिंह भी दीप्ता को प्रपोज करते हुए दिखते हैं। वो भी दीप्ता को कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और भी दीप्ता भी वीसी के इस बात को सुनकर शर्माती हुई दिखाई देती है और फिर वो उनके लिए एक बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस करती है। तो इसी पर फैंस का ये कहना है कि शो की टीआरपी के लिए भी दीप्ता और वीसी को बस यूज किया जा रहा है, ठीक जैसा कि पहले चिराग और काव्या के साथ किया गया था, और उन्हें पूरा यूज करने के बाद उन्हें भाई बहन बना दिया गया। उस समय भी मुझे ये बात एकदम समझ नहीं आई थी कि जब चिराग और काव्या एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो भाई बहन कैसे बन सकते हैं, और शो में बीते इतने हफ्तों से उन दोनों के बीच में कनेक्शन क्यों दिखाया जा रहा था। और अब शो के मेकर्स चिराग और काव्या से ऊपर उठ चुके हैं और उन्होंने इस बार निशाना बनाया है दीप्ता और वीसी को। तो गाइस, क्या आपको भी दीप्ता और वीसी की ये कहानी सही लगती है या फेक, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही आगे भी ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए इंटरटेनमेंट सब्सक्राइब। धन्यवाद।